गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें एक नया टॉपिक करना है। टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे हम इसे इस्तेमाल करते हैं, आज की क्लास में हम उसे लॉजिकली समझने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कोई टॉपिक करते हो, अगर आप उसके लॉजिक को समझ सकते हो तो आप वो टॉपिक लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर पाओगे। इसमें फिर आपको जो है कोई भी चीज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज हमारा यही मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ये फॉर्मूला जो है वो कैसे वर्क करता है, उसके लॉजिक को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं बहुत सारे समझदार बुद्धिजीवों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कितनी सब्जियाँ खरीदें। एक्चुअल में मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये मान लो कि अगर मैं मार्केट जाऊँ तो मैं कितनी सब्जियाँ खरीद कर लाऊँ। तो प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से है। होता क्या है, हमारे घर में जो है वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट होती है, दिन में 3 टाइम जो है सब्जियाँ बनती है और हर टाइम मान लीजिए 1 किलो सब्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब अभी तक क्या होता है कि मैं दिन में 2 बार जाता हूँ मार्केट, ठीक है, अपनी जो है व्हीकल पे मैं 2 बार मार्केट जाता हूँ और मार्केट से सब्जियाँ ले आता हूँ, ठीक है। 2 बार मुझे जो है मार्केट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बट जब मैं मार्केट के चक्कर लगाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो पेट्रोल लगेगा, ठीक है। मेरा टाइम जा रहा है बार बार मार्केट जाने में, तो दैट मीन्स डेली के 2 चक्कर लगते हैं। सपोज एक बार में 10 रुपये का तेल अगर कंज्यूम हो जाता है तो 20 रुपीज़ का मेरा एक्सपेंस आ जाता है। फिर वो सब्जियां ला के जो है फ्रिज में स्टोर कर दी जाती हैं और दिन में जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से कंजम्पशन कर ली जाती है। अब मेरा जो दिक्कत का कारण है वो ये है कि मुझे बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और चक्कर लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है बार बार जितने चक्कर लगाऊंगा उतना ही तेल ज़्यादा लगेगा, तो दैट मीन्स खर्चे ज़्यादा आएंगे। तो मेरा कहना है कि टाइम बचाते हैं। मैंने अपनी माँ से कहा कि एक काम करते हैं, मैं एक दिन में जो है इकट्ठा 10-12 दिन की सब्जियाँ उठा लाता हूँ और एक साथ जो है आप मुझसे मंगवा लो जो जो चाहिए और फिर धीरे धीरे कंज्यूम करते रहना। इस केस में होगा क्या, मैंने कहा कि मैं इकट्ठी सब्जियाँ ले आता हूँ और ला के रख देता हूँ, तो अब मेरे चक्कर भी बच जाएंगे और बार बार जो पेट्रोल लग रहा है वो भी नहीं लगेगा। तो ऐसे केस में अब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर हम एक बार में 10-12 दिन की सब्जियां ले आएंगे तो दिक्कत क्या आएगी। दिक्कत ये आएगी कि पहली बात तो हमारा जो छोटा सा फ्रिज आपको दिख रहा है ये बेचारा लोड ले ही नहीं पाएगा इतना, तो हमें एक तो मम्मी ने कहा कि बड़ा फ्रिज लेना पड़ेगा। दूसरी बात, आप 10-12 दिन की सब्जियां एक साथ लाओगे तो दिक्कत ये भी आएगी कि कुछ सब्जियां आपकी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो वो भी फेंकनी पड़ेगी, तो दैट मीन्स वेस्टेज भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन हमारा यही आ गया कि सब्जियां कितनी खरीदें, कम खरीदें एक बार में या ज्यादा। दैट मीन्स एक टाइम में हमारी ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, कम हो या ज्यादा हो। अब आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए अगर मैं कम खरीदता हूँ, एक बार में कम सब्जियां खरीदता हूँ तो क्या फायदा है। अगर मेरा जो फ्रिज है वो स्मॉल साइज का भी है तो भी काम चला देगा अगर क्वांटिटी कम होगी तो। दूसरी बात, वेस्टेज कम होगा, ऑब्वियस सी बात है गलेगी नहीं सड़ेगी नहीं सब्जियां, तो वेस्टेज भी कम होगा। लेकिन इस ऑप्शन में सबसे बड़ी कमी क्या है, मेरे जो नंबर ऑफ चक्कर है मार्केट के वो बढ़ जाते हैं, दैट मीन्स टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मैं। एंड सेकेंडली, जितने ज्यादा बार जाऊंगा उतना ही पेट्रोल ज्यादा लगेगा, तो ये इस चक्कर में जो है आप कम अगर क्वांटिटी लाते हो एक बार में तो नुकसान है। वहीं अगर मैं कहता हूँ कि एक बार में ज्यादा परचेज कर लो तो क्या उसके फायदे नुकसान होंगे, तो उस केस में देखिए, पहली बात तो हमारे पास फ्रिज का साइज बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको एक्सपेंस एडिशनल करने पड़ेंगे, बड़ा फ्रिज लाना पड़ेगा बिकॉज छोटा फ्रिज कैपेसिटी नहीं लेता उतनी उतनी क्वांटिटी स्टोर नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अगर ज़्यादा सब्जियां होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेस्टेज तो होगी, आपका दुकानदार कुछ तो आपको ठगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो खराब चढ़ाएगा ही सब्जियां, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेस्टेज भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसके फायदे क्या होंगे, अगर आप ज्यादा खरीदोगे तो बार बार चक्कर नहीं लगेगा, दैट मीन्स टाइम सेव होगा और आपका पेट्रोल भी बचेगा।
अब देखिए, अब आपके सामने एक समस्या है, ज्यादा खरीदें या कम खरीदें। तो ऐसे केसेस में आप सोच रहे हो कि क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, ऐसे केसेस के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट बनाया गया है हमारा ईओक्यू। यहाँ पे हमारा टॉपिक काम आता है ईओक्यू। ईओक्यू एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी है जो ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम। ये मॉडरेट साइज की क्वांटिटी ऑर्डर है जहां पे आपके अलग अलग टाइप के जो लगने वाले खर्चे हैं वो आपके कंबाइन करने पर मिनिमम पर आ जाएं। समझते हैं, देखिए डायग्राम की मदद से समझते हैं। अगर मान लो यहाँ पे है क्वांटिटी कि मैं एक बार में कितनी सब्जियां खरीद के लाता हूँ, मैं वेदर एक दिन की लेके आता हूँ, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, कितनी क्वांटिटी में लेके आता हूँ, ठीक है। और इस तरफ है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कॉस्ट, एसोसिएटेड कॉस्ट मेरी जो लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं एक बार में जाता हूँ और एक दिन की सब्जी लेके आता हूँ, तो मुझे सोच के बताइए 10 दिन की सब्जियां लाने के लिए मुझे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऑब्वियस आंसर है 10, क्योंकि मैं डेली एक दिन की लाऊंगा। तो दैट मीन्स मैं क्वांटिटी अगर कम लाऊंगा तो मेरी जो बार बार आने जाने के खर्चे हैं, पेट्रोल का खर्चा हो गया या किसी भी टाइप, फॉर एग्जाम्पल मेरी स्कूटी का मेंटेनेंस है, रास्ते में किसी और टाइप के चार्जेस लग जाते हैं, मान लो मैं जाता हूँ तो कुछ ना कुछ खा के आऊंगा, तो मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल चार्ज लगाऊंगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आप जितनी कम क्वांटिटी खरीदोगे तो बार बार चक्कर लगाओगे, दैट मीन्स बार बार लाने का खर्चा, ऑर्डर करने का खर्चा आपका बहुत हाई होगा। बट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टाइम्स कम करते जाओगे, जैसे आपने एक दिन में 2 बार की सब्जी खरीद ली, तो 10 दिन की सब्जियां कितने चक्कर में आ जाएंगी, 5 में। तो ऑब्वियस है पहले से कुछ कम कॉस्ट आएगी। सिमिलर वे में अगर आप एक दिन में जो है 5 दिनों की सब्जी खरीद लेते हो तो आपके सिर्फ 2 ही चक्कर लगेंगे, तो उस केस में आपकी कॉस्ट और कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ऐसे करते करते आप ध्यान से देखोगे तो आपकी कॉस्ट लगातार क्या होती जा रही है, रिड्यूस। जैसे जैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज करोगे आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी, बिकॉज आपके नंबर ऑफ चक्कर कम होते जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरी कॉस्ट देखते हैं। बेसिकली अगर मान लो आप एक बार में ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेके आते, आप एक दिन में एक ही दिन की जो है क्वांटिटी लेके आते हो, तो छोटे फ्रिज से काम चल जाएगा। दूसरी बात, जो वेस्टेज होगी वो भी नहीं होगी, बिकॉज थोड़ी सब्जी लाओगे, छांट छांट के बढ़िया वाली लेके आओगे और उसी दिन कंज्यूम हो जाएगी, तो गलने सड़ने वाली दिक्कत भी नहीं है। दैट मीन्स आपकी जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है, सब्जी होल्डिंग कॉस्ट, वो बहुत ही कम होगी। लेकिन जैसे ही आप 2 दिन की क्वांटिटी लाओगे, तो दैट मीन्स आपकी 2 दिन की क्वांटिटी आ रही है अभी यहाँ पे, तो 2 दिन की क्वांटिटी के हिसाब से फ्रिज हो सकता है उसी में काम चल जाए, बट हो सकता है वेस्टेज निकलनी स्टार्ट हो जाए, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे आप एक बार में नंबर ऑफ क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे, क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हो, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स ये कॉस्ट जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज्यादा लगेगी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है फ्रिज का साइज बढ़ता जाएगा एंड सेकेंडली वेस्टेज भी। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी दो टाइप की कॉस्ट है, दो टाइप की कॉस्ट है। कौन कौन सी मेरी दो टाइप की कॉस्ट है? नंबर फर्स्ट इज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, दैट मीन्स मेरे पास जो मेरा माल होता है उसे होल्ड करने के खर्चे, उसे होल्ड करने के खर्चे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सब्जियों केस में दिया आपको, सब्जियों के केस में मेरी क्या क्या होल्डिंग कॉस्ट आ रही है, मेरा जो है वेस्टेज निकल जाता है, फ्रिज का साइज बड़ा हो जाता है, तो वो भी एक खर्चा हो सकता है। अगर मान लो आप फ्रिज जो है परचेज करके लाओगे तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा, रेंट पे लोगे तो रेंट लगेगा। दैट मीन्स आपकी बहुत सारी एक्सपेंसेस जो है इन्वेंट्री को होल्ड करने से लगती हैं। अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो थे इंटरेस्ट कॉस्ट। कैसे? मान लीजिए आप जो है 1 लाख रुपए का स्टॉक रखना चाहते हो। अब ये 1 लाख रुपए का स्टॉक आप अपनी दुकान में रखोगे तो दैट मीन्स आपको इस 1 लाख की पेमेंट भी करनी पड़ेगी, परचेज करके लाओगे तभी आपके पास 1 लाख का माल होगा। अब आप परचेज करके लाए हो बैंक से रुपए उधार लेके, बैंक से आपने क्रेडिट लिया है और वो सपोज आपने लिया है 10% पर एनम इस रेट पे, तो इसका मतलब आपको अगर 1 लाख का स्टॉक रखना है तो 1 लाख का माल होगा, वो आप उधार लेके आओ, तो क्या इसके ऊपर ब्याज नहीं लग रहा? ऑब्वियस सी बात है आपका जो ईयरली 10,000 का इंटरेस्ट लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसलिए लगा है क्योंकि आपने स्टॉक मेंटेन किया है। अगर आप ये स्टॉक मेंटेन ना करते तो ये खर्चा भी नहीं लगता,
तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि आप अगर इन्वेंट्री होल्ड करोगे तो आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे कहलाते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारी सारी जो है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है। दूसरे टाइप की कॉस्ट हमारी कौन सी लग रही है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये हमारी होती है जितने ज्यादा बार ऑर्डर करोगे उससे रिलेटेड लगने वाले खर्चे। जैसे इस एग्जाम्पल में आप जितने ज्यादा चक्कर लगाओगे पेट्रोल का खर्चा लगेगा, और रास्ते में आप कुछ ना कुछ खाओ पियोगे वो भी आपके लिए एक एक्सपेंस है। तो ये हो गए ऑर्डरिंग कॉस्ट। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी को बार बार जब भी कुछ परचेज करना होता है तो कंपनी ऐसा नहीं कि मार्केट में मैनेजर को झोला लेके भेज देते, जाओ देखो क्या क्या मिल रहा है ले आओ, ऐसा नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनी केस में झोला लेके सप्लायर आते हैं, हमारे पास ये है। दैट मीन्स कंपनियां टेंडर इनवाइट करती है कि बताओ आप क्या दोगे और कितने में दोगे। तो ऐसे केसेस में कंपनी जो है बार बार टेंडर इनवाइट करेगी, सिलेक्शन प्रोसेस करेगी, जब माल आएगा तो उसकी इंस्पेक्शन करना, उसको फिर अनलोड लोड करवाना। दैट मीन्स ये सारे खर्चे बेसिकली जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ये आपकी कहलाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो दो टाइप की कॉस्ट है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी एक बार में परचेज करोगे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ चक्कर कम हो जाएंगे, लेकिन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स अगर क्वांटिटी कम होगी तो आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कम होगी, बट नंबर ऑफ चक्कर ज्यादा होंगे तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हमारा कॉन्सेप्ट था ईओक्यू क्या है। मैंने कहा था जहां पे दोनों का कंबाइंड कंबाइंड क्या हो, मिनिमम हो, तो वो हमारा ईओक्यू होता है। तो मान लीजिए ये हमारा कंबाइंड कॉस्ट का कर्व है, तो देखिए ये हमारा इस पॉइंट पे जो है मिनिमम है, इस पॉइंट पे मिनिमम है। कहाँ पे? जहाँ पे हमारी दोनों कर्व ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ये दोनों जहाँ पे हमारी इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो है मिनिमम होता है टोटल कॉस्ट। तो इतनी ही क्वांटिटी हम जो है एक बार में लेके आएंगे। सपोज ये निकल के आ रहा है 4, दैट मीन्स आप 4 दिन का कंजम्पशन एक साथ परचेज करके लाओगे। इससे होगा क्या? इससे ऐसा होगा कि आपकी दोनों कॉस्ट का कंबाइंड मिनिमम हो जाएगा। कोई एक कॉस्ट मिनिमम नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप कहोगे इन्वेंट्री होल्डिंग तो यहाँ पे मिनिमम है, एंड आप कहोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट तो वो यहाँ पे मिनिमम है। हम किसको मिनिमाइज कर रहे हैं? दोनों के कंबाइंड को, ठीक है। तो ये दोनों के कंबाइंड यहाँ पे इस पॉइंट पे मिनिमम होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्चुअली कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। अब देखिए इस इन्वेंट्री होल्डिंग सॉरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को सॉल्व करने का एक तरीका है। अब मैं आपसे कहूँ कि इस कर्व को लीजिए और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट लगाइए और निकालिए फॉर्मूला, तो ये नाजायज हो जाएगा। आप सीए के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप जो है कोई मैथ के फिजिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हो, तो हमें थोड़ा सा जो है हेल्प किया गया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करना, हमें डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना के दे दिया। और ये फॉर्मूला क्या है? 2 into a into o divide में c का square root। दैट मीन्स ए मतलब आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट, याद रखना मैंने कहा है वर्ड एनुअल रिक्वायरमेंट, कि पूरे साल में आप कितनी रिक्वायरमेंट करते हो उस पर्टिकुलर मटेरियल की, दैट मीन्स कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, हर एक ऑर्डर पे आपकी क्या एक्सपेंसेस लगते हैं, ठीक है। और सी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, हर एक यूनिट को कैरी करने के लिए आपको क्या एक्सपेंस करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। देखिए ईओक्यू का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इंस्टीट्यूट जनरली 5 से 10 नंबर का कॉन्सेप्ट जो है ईओक्यू बेस्ड एग्जाम में जरूर देता है। मटेरियल कॉस्टिंग में इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है ईओक्यू, ठीक है, और सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए ताकि आप हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो देखिए आपकी एनुअल डिमांड है 12,000 यूनिट की, ठीक है। एक बार आप ऑर्डर डालते हो तो 1,800 रुपये लग जाते हैं, दैट मीन्स आने जाने का जो चक्कर है वो 1,800 का पड़ता है। एक यूनिट जो आप परचेज करके लाते हो प्रोडक्ट स्काई ब्लू की, आपका प्रोडक्ट है वो कितने की आती है? 640 की। एंड कैरिंग कॉस्ट जो आपकी पड़ती है पर एनम वो है 18.75%, दैट मीन्स आपकी जो बैंक से ब्याज की रेट है वो इतनी है, आप ये मान सकते हो। ऑल दो जब हम कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, वेस्टेज कॉस्ट, सारी जो भी आपकी लग सकती है सारी इंक्लूडेड है, ठीक है। दैट मीन्स इस 18.75% में सब शामिल है। अब मुझे आप बताइए कि आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी?
आप कहोगे सर एक यूनिट 640 की है, उसका 18.75%, ठीक है, तो मेरी पर यूनिट जो है कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? मेरी पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट आ गई 120 रुपीज़। दैट मीन्स अगर मैं साल के दौरान एक यूनिट भी रखता हूँ, पूरे साल में स्टॉक एक यूनिट का रखता हूँ, तो 120 रुपये मेरे पर यूनिट लग जाते हैं। तो मैं जितनी ज़्यादा यूनिट स्टॉक में रखूँगा, पर यूनिट पे 120 रुपये का खर्चा आता रहेगा। लेकिन मैं एक बार ऑर्डर करता हूँ तो 1800 लग जाते हैं। तो अब ऐसी क्वांटिटी बताइए जहाँ पे दोनों का कंबाइन मिनिमम हो जाए, उसे हम कहते हैं ई ओ क्यू। कैसे निकलेगा? 2 × a × o डिवाइड में सी का रूट, ठीक है, 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट, साल में कितने की ज़रूरत है, तो आपके साल की रिक्वायरमेंट है 12,000 यूनिट्स, दैट मीन्स 12,000, इंटू में ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट मीन्स एक बार माल मंगवाने का खर्चा 1800, डिवाइड में कैरिंग कॉस्ट, एक यूनिट जो आप कैरी करते हो तो कितने लगते हैं, 120। तो यहाँ से इस वैल्यू की हम जो है कैलकुलेशन करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 600 यूनिट्स। दैट मींस आपका ईओक्यू निकल आया 600 यूनिट्स। इस 600 यूनिट्स पर आपकी जो कंबाइंड कॉस्ट है, कंबाइंड कॉस्ट का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों का टोटल मिनिमम होगा, ठीक है, देखते हैं वो टोटल होगा कितना। मान लीजिए आप जो है एक बार में 600 यूनिट मंगवाते हो, तो आपकी टोटल रिक्वायरमेंट है 12,000 की। कितने बार मार्केट जाना पड़ेगा? एक बार में 600 यूनिट लाते हो, पूरे साल की रिक्वायरमेंट 12,000 है, तो आपको 20 टाइम्स मार्केट जाना पड़ेगा, और हर एक चक्कर के कितने रुपए लगते हैं, 1800। तो आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 × 1800, दैट मीन्स 36,000 रुपीज, ठीक है। ये थी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट में बिना कैलकुलेशन भी बता सकता हूँ, क्या आप कॉन्सेप्चुअली बता सकते हो कैसे? देखिए, जब हमने यहाँ पे आपसे कहा था कि जहाँ पे दोनों इंटरेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वही पॉइंट आपका ईओक्यू होता है। दैट मीन्स एट ईओक्यू आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब मेरी अगर कैरिंग कॉस्ट 36,000 आई है, तो इसका मतलब मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी, 36,000 आई है, इसका मतलब मेरी कैरिंग कॉस्ट भी कितनी आएगी, 36,000, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज मॉडल का ये जो है रूल है, इंटरेक्ट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं दोनों कर्व्स, वहीं पे आपका ईओक्यू होता है। दैट मीन्स दोनों इस पॉइंट पे इक्वल ही होंगे। तो दैट मीन्स टोटल रेलेवेंट कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है, 72,000। बट स्टिल आप वेरीफाई कर सकते हो इसे कि वेदर हमारी कैरिंग कॉस्ट 36,000 आ भी रही है या नहीं, देखते हैं। देखिए, हमारे पास एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगाई जाएगी, 600, तो ऑब्वियसली बात है 600 यूनिट आएंगी, बट स्टॉक में 600 थोड़ी पड़ी रहेंगी। कभी आपके पास स्टॉक में 600 भी होंगी, कभी 500 भी, कभी 400, 300, 200, 100 ये भी होंगी। दैट मीन्स आप जैसे जैसे कंज्यूम करते जाओगे कम होता जाएगा, जैसे ही माल जीरो होगा फिर आप ऑर्डर कर दोगे, फिर 600 यूनिट आ जाएंगी। दैट मीन्स आपके पास सारा टाइम 600 यूनिट नहीं पड़ी रहती। तो एवरेज होल्डिंग क्या है आपकी? आप कहोगे सर 600 यूनिट जो है हम परचेज करते हैं एक बार में, तो ऑन एन एवरेज इसका आधा तो पड़ा ही रहता है, 300, कभी ज़्यादा कभी कम, बट एवरेज में 300। तो इसका मतलब आप कहोगे कि ऑन एन एवरेज आप 300 यूनिट जो है कैरी करते हो। एक यूनिट पे 120 रुपये लग रहे थे, हमने कैरिंग कॉस्ट निकाली थी, तो दैट मीन्स 300 यूनिट पे कितने हो गए, 36,000। यही हमारा यहाँ से हमने बताया था। दैट मीन्स हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है। अगर आपकी कैरिंग कॉस्ट और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग अलग आती, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक नहीं है, आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ईओक्यू का, बेसिकली सब्जियां कितने खरीदे, ठीक है। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि कितनी मार्केट से सब्जियां लानी चाहिए। जितना आपका ईओक्यू आता है वही आपका सब्जी का ऑर्डर लेवल होगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।